तो हम लोग पिछली क्लास में मोशनल ई एम एफ और पढ़ चुके थे आज हम लोग उसके आगे और बढ़ रहे हैं एंड वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सेल्फ इंडक्शन सेल्फ इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन ये दो प्रोसेस और हैं जो हम लोग को यहाँ पर पढ़ना है समझना है सेल्फ इंडक्शन का मतलब ये हो गया कि जब किसी क्वाइल में हम लोग अचानक से करंट फ्लो कराते हैं ठीक इनिशियली सोचो अगर कॉइल में करंट जीरो है तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड कितनी है वो भी जीरो है भाई मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आती है करंट की वजह से अगर किसी कॉइल में लेट अस सपोज हम लोग एक यहां पर एक कॉइल बना लें ये कॉइल है मान लीजिए ठीक है, है इस कॉइल में आपने एक सेल कनेक्ट कर रखा है अगर इस सेल से कोई करंट निकला ही नहीं तो करंट कब नहीं निकलेगा इससे जब ये आपका ओपन रहा होगा इस तरीके से अगर ओपन है और इसमें करंट फ्लो ही नहीं हुआ करंट अगर जीरो होगा जब तो आप सोचो उसके करेस्पॉन्डिंग जो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा क्या वो भी जीरो होगा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू अगर यहाँ पर जीरो है तो इसका मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स भी जीरो है तो यहां कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जैसी चीज नहीं होगी जैसे ही आप इसको क्लोज करोगे जैसे ही हम लोग इसको क्लोज करेंगे बोलो अब इसमें तुरंत यहां से करंट निकलेगा और वो आई करंट इससे होता हुआ जाएगा और जैसे ही आई करंट की कुछ वैल्यू आएगी बोलो तुरंत मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड जैसे आएगा तुरंत यहां पर कुछ ना कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स आएगा पहले वाले कंडीशन में मैग्नेटिक फ्लक्स बोलो जीरो था इनिशियल फ्लक्स लेकिन अभी जो फाइनल फ्लक्स है वो जीरो से तो कुछ बड़ा हो जाए कुछ वैल्यू उसकी बढ़ जाएगी यानी कि जैसे ही आप स्विच ऑन करते हो तुरंत इसमें जाने वाला जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो बढ़ गया करंट बढ़ गया मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ गया और अगर फ्लक्स बढ़ गया तो तुरंत यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन हो जाएगा इंड्यूस्ड ई आएगा और क्योंकि सर्किट क्लोज है तो यहां पर इंड्यूस्ड करंट भी आएगा और इंड्यूस्ड करंट का डायरेक्शन ऐसे ही होगा जो प्रोसेस को क्या करेगा अपोज प्रोसेस था करंट का फ्लो होना तो जो इंड्यूस्ड करंट आएगा बेटा वो जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आएगा जो कि ओरिजिनली फ्लो हो रहे करंट को क्या करेगा अपोज करेगा तो इंड्यूस करंट अपोजिट डायरेक्शन में हो जाएगा इसी प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन सो सेल्फ इंडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करेंट इन द सर्किट सेल्फ इंडक्शन है ना इट इज द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट इन अ सर्किट वेन द करंट फ्रॉम सेल और बैटरी इज फ्लोइंग इन द क्वाइल क्लियर तो एक ही क्वाल में हमने करंट फ्लो कराया उसी में इंडक्शन हो रहा है उसी में अपोजिशन हो रहा है तो अपोजिट डायरेक्शन वाला जो ये करंट आ रहा है ये प्रोसेस कहलाता है सेल्फ इंडक्शन यानी एक ही कॉइल में आप करंट भी फ्लो करा दो उसी कॉइल में अपोजिंग करंट भी आ जाए तो उसको क्या बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन क्लियर सेल्फ इंडक्शन का कॉज क्या था ये वाला करंट क्लियर सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स अगर हम लोग लिखना चाहें तो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करेंट फ्लोइंग इन द कॉइल जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा बोलो मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज उतना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा सो दिस डेल्टा इज इक्वल टू एल आई प्रपोर्शनलिटी का ये साइन हटेगा प्रपोर्शनल तो एक कॉन्स्टेंट आएगा और वो कॉन्स्टेंट यहां पर होता है एल ठीक तो इस एल को क्या बोलते हैं हम लोग कोफिशेंट ऑफ हा दिस एल इज कॉल्ड Coefficient ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन कोई डाउट हो इसमें तो बताइए कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन सो फाइ इज इक्वल टू एल आई और अगर इसके करस्पॉन्डिंग ई एम एफ निकालना हो तो ई एम एफ का फॉर्मूला होता है ना माइनस का डी phi ओवर डी टी सो वी कैन राइट हियर ई या हिस्सम इंड्यूज इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी टी ऑफ फाइव डी ऑफ फाइव और फाइव की वैल्यू बेटा कितनी है एल आई के बराबर तो एल कॉन्स्टेंट है तो उस एल को हम लोग बाहर करेंगे तो फॉर्मूला बनेगा माइनस का एल डी आई ओवर डी टी ठीक तो इंड्यूस्ड ई एम एफ का अपने पास

माइनस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को कह लो या लेंज लॉ को कह लो देखो अगर ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है तो इसका डायरेक्शन लिखना फिर गलत हो जाएगा मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था है ना स्केलर क्वांटिटी है तो हाँ ये आपको जरूर समझ में आ जाएगा किधर पॉजिटिव पोटेंशियल है किधर नेगेटिव है या किधर हाई पोटेंशियल है किधर लो पोटेंशियल है ये पता चलेगा लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि दिस नेगेटिव इज रिप्रेजेंटिंग डायरेक्शन क्या ये बात समझ में आई थीक? इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं सेल्फ इंडक्शन ठीक तो फाइ इज इक्वल टू एल आई ये फॉर्मूला है या ईएमएफ एफ इज इक्वल टू माइनस एल डी आई बाई डी टी ये हमारा फॉर्मूला है इसमें सोचो अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये जो एल है इस एल का यूनिट बताइए तो एल इज इक्वल टू डेल्टा फाइ ओवर आई भी हो सकता है ठीक मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है उसका एक यूनिट वेबर भी होता है मैग्नेटिक फ्लक्स का यूनिट वेबर भी होता है तो इसका यूनिट क्या हो गया यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्शन यूनिट ऑफ कोफिश ऑफ सेल्फ इंडक्शन एल क्या हो जाएगा इट इज वेबर पर एम्पियर वेबर पर एम्पियर yeah. इसी को और क्या बोलते हैं इसी को हैनरी भी बोलते हैं है ना इसी को क्या बोलते हैं हेनरी तो हेनरी भी इसका यूनिट हो सकता है बाकी टेस्ला के टर्म में भी आप ला सकते हो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स को हम बी ए लिख सकते हैं मैग्नेटिक मैग्नेटिक फील्ड फील्ड इनटू एरिया एरिया तो टेस्ला, ampere, तो टेस्ला टेस्ला मीटर मीटर स्क्वायर अपॉन स्क्वायर पर एम्पियर वो भी हो सकता है क्लियर है तो फिलहाल मैग्नेटिक फ्लक्स का एक यूनिट तो यही हो गया वेबर एक यूनिट इसका और होता है क्या सीजीएस यूनिट क्या होता है इसका मैक्सवेल ठीक तो उसकी भी बात हम लोग करते हैं 10 की पावर 4 होता है 8 होता है तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर हम मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करें मैग्नेटिक फ्लक्स का बेटा फॉर्मूला होगा ना बी ए कॉस थीटा तो अगर इसके यूनिट्स की बात आपसे किया जाएगा यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स तो क्या क्या हो सकता है भाई मैग्नेटिक फील्ड का टेस्ला और एरिया का मीटर स्क्वायर ये हो सकता है इसी को हम लोग वेबर वेबर भी कहते हैं इट इज नोन एज तो WB, ऐसा लिखते हैं ठीक सीजीएस फॉर्म में अगर इसी यूनिट को हम लोग ले जाएं, सीजीएस में क्या लिखोगे इसी को टेस्ला की जगह क्या हो जाएगा कॉस टेस्ला की जगह और मीटर स्क्वायर की जगह सेंटीमीटर स्क्वायर तो सीजीएस यूनिट इसका होता है मैक्सवेल सीजीएस यूनिट क्या है मैक्सवेल एम कैपिटल एक्स स्मॉल मैक्सवेल क्लियर इनके बीच में अगर हमें आपस में रिलेशन निकालना हो तो जरा सोचो वन टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू पहली बात वन टेस्ला इज इक्वल टू टेन की पावर फोर गॉस के बराबर होता है वन टेस्ला जो है वो टेन की पावर फोर गॉस के बराबर है और वन मीटर स्क्वायर टेन की पावर फोर सेंटीमीटर स्क्वायर के भी बराबर होता है यानी कि वन टेस्ला मीटर स्क्वायर इज इस इक्वल टू तो टेन टू तो पावर एट गॉस सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि हम लोग ये भी लिख सकते हैं कि वन वेबर इज इक्वल टू टेन टू पावर एट मैक्सवेल कोई डाउट हो इसमें तो बताओ भाई किसी को इसमें कोई डाउट हो तो बताइए वन वेबर इज इक्वल टू टेन की पावर एट मैक्सवेल वेबर कौन सा यूनिट है एस आई यूनिट मैक्सवेल कौन सा है सी जी एस यूनिट क्लियर सो दिस वॉज सेल्फ इंडक्शन और फिलहाल क्योंकि उसी में एक पॉइंट आ गया तो मैंने ये भी आपको एक्सप्लेन कर दिया है क्लियर है आगे बढ़ा जाए ठीक अब अगला देखते हैं जरा अगली जो चीज हम लोग पढ़ने वाले हैं दैट इज सेल्फ इंडक्टेंस सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सॉलिनोइड सेल्फ इंडक्टेंस ऑफ अ लॉन्ग सोलिनॉइड अगर एक बड़ा सा को ही हम लोग कंसीडर करें तो उसका सेल्फ इंडक्टेंस देखिए जरा क्या है कितना होता है सेल्फ इंडक्टेंस तो इसमें कोई इस तरीके का हम लोग मान लो एक सोलिनॉइड है अगर ऐसा एक सोलिनॉइड है जिसमें तार को पूरा ऐसे लपेट करके सोलिनॉइड बनाया गया होगा तो यहां पर एक चीज जरा सोचिए स्मॉल n नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ हम लोग करते हैं बोलो भाई किसी भी सोलेनॉइड के लिए ये आप लोग पढ़ चुके हो ना स्मॉल n बराबर कैपिटल एन बाई एल यानी नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ तो अगर हमें कभी भी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स की जरूरत पड़ेगी टोटल नंबर ऑफ टर्न्स तो क्या वो स्मॉल एन इंटू एल के बराबर हो जाएगा स्मॉल एन इन एल के बराबर हो जाएगा और हमको फिलहाल निकालना है सेल्फ इंडक्शन का यानी वैल्यू निकालनी है फॉर्मूला क्या था हमारा डेल्टा इज इक्वल टू एल आई तो जरा सोचो एल कितना होगा डेल्टा फाइ अपॉन आई डेल्टा फाइ का मतलब हुआ चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स तो जरा चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू बताइए फ्लक्स कितना होगा बी ए कॉस थीटा ठीक मैग्नेटिक फील्ड बी एरिया ए कॉस थीटा की कोई वैल्यू मान लो और अगर वो एंगल जीरो है तो ये बी ए कॉस जीरो हो जाएगा सही है वो भी ये कितने टर्न्स के लिए है एक टर्न के लिए अगर ऐसे एन नंबर ऑफ टर्न्स होंगे तो हम बोलो एन का भी मल्टीप्लाई कर देंगे ठीक तो कोफिशियंट ऑफ सेल्फ इंडक्शन इज इक्वल टू तो एन बी ए अपॉन आई एन बी ए अपॉन आई और इसमें भी B की वैल्यू क्या होती है किसी भी सोलेनोइड की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होता है सोलेनॉइड के अंदर तो ये आप ही चुके हो इसके अंदर यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होता है भाई म्यू नॉट एन आई और ये कैसी फील्ड होती है यूनिफॉर्म यानी कि कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होती है इसके अंदर ठीक तो वही वैल्यू मैं यहां पर उठाकर रख रहा हूं चेक करिएगा जैसे ही हम लोग रखेंगे म्यू नॉट स्मॉल एन आई इन टू एरिया ए डिवाइडेड बाई आई आई से आई कैंसिल सेल्फ इंडक्शन की वैल्यू आई म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इन टू एरिया क्या ये वैल्यू समझ में आई आपको बोलो भाई म्यू नॉट स्मॉल एन कैपिटल एन इन टू एरिया और अगर सबको एक फॉर्म में आप लाना चाहते हो मान लो एक फॉर्म में अगर हम लोग लाना चाहते हैं तो बनेगा एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स स्मॉल एन की जगह क्या लिख सकते हैं हम कैपिटल एन बाई एल तो क्या ये एन स्क्वायर बन जाएगा तो म्यू नॉट एन स्क्वायर बाई एल ये आ गया कुछ ऐसा कोई डाउट इसमें ठीक है आपका मन है कैपिटल एन के फॉर्म में रखो आपका मन है स्मॉल एन के फॉर्म में रखो स्मॉल एन के फॉर्म में रखना है तो कैपिटल एन की जगह क्या रखेंगे NL. तो यहाँ पे रखोगे तो स्मॉल एन का स्क्वायर हो जाएगा एल का मल्टीप्लाई हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से भी हम लोग उसको कन्वर्ट कर सकते हैं तो ये फिलहाल कोफिशेंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस का डेरिवेशन हो गया किसी भी लॉन्ग सोलेनोइड के लिए ठीक है तो ये आप लोगों से पूछा जा सकता है छोटा डेरिवेशन है आसान है पूछा जा सकता है नेक्स्ट देखते हैं जरा देखिए जरा नेक्स्ट डेरिवेशन हम लोग करने चल रहे हैं पहले तो कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं नेक्स्ट है म्यूचुअल इंडक्शन नेक्स्ट जो इंडक्शन आपके सिलेबस में है दैट इज म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का सिंपल सा मतलब है अगर एक कॉइल ये ले लिया जाए और इस कॉइल के साथ हम लोग वेरिएबल करंट फ्लो कराने के चक्कर में हम लोगों ने ये देखो ये डिवाइस का नाम क्या होता है रियोस्टेट यहां पर एक वेरिएबल रेजिस्टर या रियोस्टेट कनेक्ट किया ठीक वेरिएबल रेजिस्टर का मतलब रेजिस्टेंस की वैल्यू जब चेंज होती रहेगी तो इसमें फ्लो होने वाला करंट अपने आप हाँ। चेंज होता रहेगा ये बेटा एक कॉइल है कॉइल को बोलते हैं प्राइमरी कॉइल और इसके जस्ट बगल में हम लोगों ने एक दूसरा कॉइल कनेक्ट किया है जिसका नाम है सेकेंडरी सेकेंडरी कॉइल कॉइल और पर हम लोग एक समझ लो लोड रेजिस्टेंस लगा देंगे इसको बोलते हैं आर एल लोड रेजिस्टेंस या तो लोड रेजिस्टेंस लगाओ या हो सकता है उस समय मैंने यहां पर गैलबनोमीटर लगाया हो कुछ भी हो सकता है गैलवनोमीटर लगवाया होगा है ना तो दोनों सेम चीज है लोड रेजिस्टेंस का भी काम वही है आउटपुट देखने का ठीक या गैल्वनोमीटर आप लगा लोगे तो भी ये पता चलेगा कि भाई कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो सकता है या कितना करंट यहाँ पर फ्लो हो रहा है तो लोड रेजिस्टेंस भी कुछ किताबों में बना होता है कि हमने इस पर लोड रेजिस्टेंस लगा लिया क्लियर क्यों यूज होता है ये टू तो कैलकुलेट आउटपुट ठीक है भी क्या करता है करंट मेजर करता है ठीक ये क्या बताएगा पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा V बराबर I R ठीक इस तरीके से तो फिलहाल इसमें एक प्राइमरी कॉइल होता है और एक सेकेंडरी कॉइल होता है जब आप प्राइमरी वाले कॉइल में फ्लो होने वाला करंट चेंज कराओगे वेरिएबल करंट जब इसमें फ्लो होगा तो सोचो इसके आसपास का जो मैग्नेटिक फील्ड ये क्रिएट करने वाला और मैग्नेटिक फील्ड बोलो इस तरीके का क्रिएट करेगा

सॉरी म्यूचुअल इंडक्शन क्योंकि अगर सेकेंडरी से कुछ मैग्नेटिक फ्लक्स पास होगा तो कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा सेकेंडरी में कुछ ना कुछ इंड्यूस्ड करंट आएगा सेकेंडरी में ठीक दैट मींस चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ द सेकेंडरी कॉइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग इन द प्राइमरी कॉइल सोचो प्राइमरी में जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा सेकेंडरी में उतना ही ज्यादा फ्लक्स पास होगा क्या ये बात समझ में आ रही है है ना इसका अगर करंट बढ़ेगा तो इसका वाला मैग्नेटिक फील्ड लाइन मैग्नेटिक फ्लक्स बढ़ेगा 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 इसका बड़ेगा तो इसका तो अपने आप क्योंकि ये जस्ट बगल में है क्लियर तो इसकी वजह से क्या होता है फ्लक्स की वैल्यू बढ़ती है अगर फ्लक्स ये बढ़ रहा है प्रपोर्शनलिटी हटेगा तो यहां पर भी एक क्या आएगा कांस्टेंट आएगा और वो कांस्टेंट होता है एम तो फॉर्मूला बन जाता है फॉर्मूला बन, बन जाता है पाई एस इज इक्वल टू एम आई पी जिसमें एम क्या कहलाता है भाई कोफिशियंट ऑफ सो दिस एम इज कॉल्ड कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्शन क्लियर है ठीक और यहां भी वही बात आई अगर आप ई निकालना चाहते हो सेकेंडरी वाले में तो फॉर्मूला क्या होता है माइनस डी फाइ ओवर डी टी सो दैट एम डी आई पी अपॉन डी टी तो ई एम एफ ऑफ सेकेंडरी का वैल्यू आपको मिल जाएगा इन टर्म्स ऑफ प्राइमरी ऐसा माइनस एम डी आई पी अपॉन डी टी क्लियर प्राइमरी में प्राइमरी सर्किट में कंडीशन में हम चेंज करेंगे और इफेक्ट किस में आएगा सेकेंडरी में आएगा इसीलिए प्रोसेस का नाम क्या है म्यूचुअल इंडक्शन म्यूचुअल इंडक्शन का ही फिनोमिना होता है ट्रांसफार्मर में भी ट्रांसफार्मर भी आप लोग पढ़ चुके हो तो ट्रांसफॉर्मर जो होता है वो इसी म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पर बेस्ड होता है तो इस पर बेस्ड प्रोसेस हो गया हमारा ट्रांसफार्मर क्या यह बात समझ में आई ठीक है और आगे बढ़ते हैं और किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए देखिएगा जरा किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए अगर इस तरीके का एक हम लोग सोलेनॉइड कंसीडर करें मान लो एक मिनट ये मान लीजिए एक कोई सोलेनोइड है और इसमें एक तो देखिए इस तरीके से हम लोगों ने ये ब्लू कलर से वायरिंग किया है फाइलिंग किया है लाइक like दिस ऐसा तो इसमें जाने वाला करंट हो गया हमारा आईपी That इज करेंट इन प्राइमरी क्वाइल ठीक और प्राइमरी का मैक्सिमम फ्लक्स हम लोग हमेशा चाहते हैं किससे पास हो सेकेंडरी okay. से तो इसलिए हमने दूसरा वाला जो क्वाइल है सेकेंड जो क्वाइल है वो भी हमने इसी के ऊपर बना दिया सेकेंड क्वाइल भी हमने ग्रीन कलर का इसी के ऊपर बना दिया लाइक like दिस अब हम लोग प्राइमरी में जो चेंज करेंगे उसकी वजह से बोलो सेकेंडरी का फ्लक्स अपने आप चेंज होगा है ना तो सेकेंडरी में भी कुछ ना कुछ यहां पर करंट वरेंट आएगा आई एस है ना अब वो किस डायरेक्शन में होगा अभी मैंने वो नहीं देखा है मैंने सिंपल बस ये कर किया है कि प्राइमरी में हम कुछ चेंज करेंगे सेकेंडरी में अपने आप वो सब इफेक्ट आएगा ठीक फॉर्मूला हमें क्या निकालना है म्यूचुअल इंडक्टेंस का सो वी आर डिराइविंग म्यूचुअल इंडक्टेंस म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ टू लॉन्ग को कोएक्सेली प्लेड सोलिनॉइड्स अगर दो बड़े से कोएक्सियल हो कोएक्सियल मतलब सेम एक्सिस है दोनों का कोएक्सियल सेम एक्सिस पर ठीक तो वहां पर हमें म्यूचुअल इंडक्टेंस का वैल्यू निकालना है तो जरा म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है भाई एम इज इक्वल टू डेल्टा पाई एस अपॉन आई है ना चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ऑफ सेकेंडरी कॉइल डिवाइडेड बाई करेंट फ्लोइंग इन प्राइमरी ग्रीन कलर वाला था क्या yes, है ना प्राइमरी कौन सा था ब्लू वाला यह नीचे वाला प्राइमरी है सेकेंडरी वाले में चेंज इन फ्लक्स की बात अगर करेंगे चेंज इन फ्लक्स का फॉर्मुला क्या होता है मैग्नेटिक फील्ड इन टू एरिया इन टू कॉसा हीटा अगर मैं जीरो मान लू इजी करने के लिए तो कॉस जीरो वन हो जाएगा ठीक लेकिन एन नंबर ऑफ टर्न होंगे तो एन का मल्टीप्लाई भी करेंगे पहले भी हम ने किया था अब सोचो जरा एक एक करके नंबर ऑफ टर्स किसके लिए एरिया किसका करंट ये करंट किसका है जो फ्लो हो रहा है प्राइमरी का मैग्नेटिक फील्ड किसकी है प्राइमरी की सेकेंडरी की अपनी खुद की कोई मैग्नेटिक फील्ड yeah. अभी तो है ही नहीं अभी तो इंडक्शन हुआ ही नहीं है बोलो यार तो हम तो सिर्फ प्राइमरी में करंट फ्लो करा रहे थे ना तो जो भी मैग्नेटिक फील्ड रहा होगा वो प्राइमरी का रहा होगा जो भी फ्लक्स रहा होगा वो प्राइमरी का रहा होगा तो हमने मैग्नेटिक फील्ड प्राइमरी का रखा बाकी आईपी तो जरा देखिएगा म्यूचुअल इंडक्शन का एन एस इन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू प्राइमरी इसका फॉर्मूला क्या होगा बेटा म्यू नॉट एन आई अगर ये प्राइमरी का है तो ये एन किसका होगा बोलो यार मैग्नेटिक फील्ड किसकी थी प्राइमरी की तो ये एन भी प्राइमरी का ये करंट भी प्राइमरी का मल्टीप्लाइड बाई एरिया किसका था सेकेंडरी का डिवाइडेड बाई किसका था प्राइमरी का चेक करिए क्या इस करंट से ये करंट कैंसिल हो गया yes, ठीक और ये फॉर्मूला हमारे पास आया एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एन पी एन एस ए एस क्लियर है तो ये फॉर्मूला हम लोग के पास आ गया कोफिशियंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस का ठीक अब इसमें अगर हम लोग इसको पूरा एक्सपेंड करके फॉर्मूला लिखना चाहते हैं तो जरा देखिए फॉर्मूला क्या बनेगा एम इज इक्वल टू म्यू नॉट एनपी ये एनपी को क्या लिख सकते हैं एक्सपेंड करके हम कैपिटल एनपी अपॉन लेंथ ऑफ प्राइमरी सही है तो एनपी एन एस ए एस अपॉन एल पी क्लियर है एरिया किसका है सेकेंडरी का लेंथ किसका है प्राइमरी का एरिया सेकेंडरी का लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स दोनों का तो उसमें कोई डाउट ही नहीं थीके? तो म्यू नॉट एन वन एन टू ए बाई एल ऐसा किताबों में लिखा रहता है म्यूनोट एन वन एन टू एल ए टू इसलिए हमने उसको ए एस एपी में कर दिया ठीक ताकि आपको वो कंफ्यूजन कभी हो हुँ. ही ना कि हम प्राइमरी की बात कर रहे हैं या सेकेंडरी की बात कर रहे हैं क्या ये चीज समझ में आई आपको yes. जरा भी डाउट हो इसमें तो बताओ भाई हम्म थीटा जीरो हम लोगों ने अपनी इजी के लिए कंसीडर किया है है वैसे थीटा किसके किसके बीच का एंगल मैग्नेटिक फील्ड और एरिया तो अगर हम लोग ऐसा करा दें मैग्नेटिक फील्ड और एरिया दोनों के बीच का एंगल अगर हम जीरो करा दें तो हमारा वो कॉस वाला टर्म यहां से हट जाए तो वो हम लोग अपने जब एक्सपेरिमेंट करेंगे तो हम लोग उसको सेम डायरेक्शन करा देंगे एरिया का डायरेक्शन आप समझते ही हो परपेंडिकुलर होता है है ना तो एरिया मैग्नेटिक फील्ड हम सेम डायरेक्शन में अपना करा लेंगे वैसे भी अब एक चीज और सोचो अगर ये हमारा एरिया है तो एरिया वेक्टर बेटा किधर होगा राइट right साइड में ठीक और अगर सोलेनोइड के अंदर मैं आपसे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन पूछूं तो वो किधर से किधर होता है किधर से किधर होता है अगर मान लो ये साउथ है ये नॉर्थ है बोलो यार अगर ये सोलेनोइड है तो ऐसा रहा होगा इधर से मैग्नेटिक फील्ड लाइन निकलेंगी इधर आएंगी लेकिन अंदर साउथ से तो अगर डायरेक्शन साउथ से नॉर्थ है एरिया वेक्टर भी तो बोलो इधर ही है तो क्या दोनों के बीच का एंगल जीरो हो गया? तो हमने जीरो करा लिया ठीक जीरो इसलिए करा लिया क्योंकि मैंने इधर साउथ रखा और इधर नॉर्थ रखा क्लियर उल्टा कर दोगे तो यही एंगल वन एट्टी बनेगा माइनस होगा तो माइनस ना हो इसलिए हमने कहा इजी के लिए हम उसको जीरो कर लेंगे अपनी सहूलियत के लिए ठीक है तो फिलहाल हमारे पास आ गया अपॉन फिलहाल इस डायग्राम में बहुत ध्यान से देखिए क्या एल पी और एल एस लेंथ प्राइमरी और लेंथ ऑफ सेकेंडरी क्या वो सेम है इन दिस डायग्राम, ठीक सो फॉर दिस पर्टिकुलर डायग्राम एल पी इज इक्वल टू एल एस एज कंसिडर्ड जैसा हमने डायग्राम में कंसीडर किया है उसके हिसाब से एलपी और एलएस क्या क्या हमारा इवन एएस और एपी भी बोलो यार तो अगर इस तरह का है तो हमारे लिए क्या हो जाएगा इजी है हमारे लिए क्या है इजी है चाहे जिसका एरिया लो चाहे जिसका लेंथ लो क्योंकि सब बराबर है लेकिन अगर यही चीज थोड़ा सा वो चाहे टफ करना इंटेंशनली और वो उसको ऐसा कुछ कर दे ये प्राइमरी है ठीक है प्राइमरी कॉइल हो गया और इसके अंदर यहां पर वो इतना बड़ा सेकेंडरी कर दे तो अब बोलो मामला बदल जाएगा बोलो यार वहां पर प्राइमरी का सारा फ्लक्स किससे पास हो रहा था सेकेंडरी से लेकिन क्या यहां पर प्राइमरी का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास होगा नहीं होगा अंदर वाला ये कौन सा है रेड कलर से मैरून से जो हम लोगों ने शो किया है ये कौन सा था ये हमारा सेकेंडरी कॉइल है इन दिस डायग्राम और जो ब्लैक से हम लोगों ने शो किया था ये वाला ये हमारा क्या है प्राइमरी है तो जरा सोचो प्राइमरी कॉइल में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा वो इधर से इधर आएगा बोलो यार तो पूरा का पूरा मैग्नेटिक फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं होगा सेकेंडरी से केवल और केवल ध्यान से देखिएगा सिर्फ इतने में ही तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पास होंगी ठीक तो क्या ये हंड्रेड परसेंट मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नहीं यहां पे तुमको बहुत सावधानी से देखना पड़ेगा एरिया ऑफ सेकेंडरी क्या है एरिया ऑफ प्राइमरी क्या है क्लियर है उल्टा भी इवन हो सकता है हो सकता है अंदर वाले को प्राइमरी बोले और बाहर वाले को तो भी हमें बहुत ध्यान से देखना पड़ेगा कि एरिया प्राइमरी का कौन सा है और लेकिन क्या आप ये डेरिवेशन कर सकते हैं अगर आपसे पूछा जाए तो देखो डेरिवेशन में ऐसा कठिन कुछ नहीं है सिंपल फॉर्मूला है एम बराबर पाई अपॉन आई सेकेंडरी का बस आप समझो फ्लक्स होगा करंट किसका होगा प्राइमरी का

कोफिशियंट ऑफ कपलिंग एक छोटी सी चीज और है यहीं पे लिख देते हैं कोफिशियंट ऑफ कपलिंग कोफिशियंट ऑफ कपलिंग बेटा ये रिप्रेजेंट करता है कि प्राइमरी का कितना फ्लक्स सेकेंडरी से पास हुआ है ना प्राइमरी का क्या हंड्रेड परसेंट सेकेंडरी से पास हो गया है ठीक इस चीज को ये रिप्रेजेंट करेगा क्लियर अस सपोज कोपिशन ऑफ कपलिंग के बराबर है तो इसका फॉर्मूला होता है एम अपॉन अंडर रूट एलवन एल टू फॉर्मूला क्या है एम अपॉन अंडर रूट एलवन एल टू जहां पर एम क्या है एम क्या है Of L1 क्या है कोविशन ऑफ सेल्फ इंडक्शन ऑफ द प्राइमरी अगर इस तरीके की दो क्वॉइल्स हैं तो बोलो दोनों का अपना पहले तो इंडिविजुअल एल वन और एल टू होगा दोनों का कंबाइंड फॉर्म में जब म्यूचुअल इंडक्शन कराओगे तो एम आएगा ठीक वो वैल्यूज को हम यहाँ पे रखेंगे तो कोपिशन ऑफ कपलिंग हमको मिल जाएगा अगर कोपिशन ऑफ कपलिंग जीरो के बराबर है तो इसका मतलब देयर इज मतलब प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो ही नहीं रहा है है ना तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे पुअर कपलिंग पुअर कपलिंग का सिंपल मतलब हो गया प्राइमरी का फ्लक्स सेकेंडरी से पास नहीं हो रहा है K इज इक्वल टू अगर वन हो जाए तो इसको क्या बोलेंगे परफेक्ट कपलिंग मतलब प्राइमरी का सारा का सारा फ्लक्स से पास हो रहा है सेकेंडरी का तो इसको पूर की हम इम परफेक्ट भी बोल सकते हैं कपलिंग भी इसको कहा जा सकता है तो इसका मतलब ये हो गया देखो ये तो ये दोनों आइडियल केस हो गए है ना मतलब ये वाला तो आइडियल केस हो गया के बराबर वन होना आइडियल हो गया ठीक तो इसका मतलब के की वैल्यू जनरली जीरो से वन के बीच में होगी यानी कि जब भी भी आप कभी रियल कपलिंग करोगे मतलब रियलिटी में कभी भी आप कोई सिस्टम फॉर्म करोगे तो प्राइमरी का हंड्रेड परसेंट फ्लक्स बोलो सेकेंडरी से पास नहीं होगा प्राइमरी का सारा का सारा फ्लक्स सेकेंडरी से पास हो जाए मतलब फ्लक्स लीकेज जीरो हो गया, फ्लक्स लीकेज जीरो हो गया, मतलब फ्लक्स बिल्कुल भी लीक किया ही नहीं है ना तो वो एक मतलब आइडियल केस हो गया परफेक्ट कपलिंग वाला परफेक्ट जैसी कोई चीज होती नहीं आपको भी पता है ठीक तो रियल कपलिंग जब भी, भी करोगे के की वैल्यू कहां से कहां होगी जीरो, जीरो से के वन के बीच में होगी तो इस चैप्टर में आपका इतना ही है आई थिंक और तो कुछ बचा नहीं है ना अच्छा वेलॉस्टी सेलेक्टर हालांकि इस चैप्टर में नहीं है लेकिन आप पूछ रहे हैं तो हम बता देते हैं वेलोसिटी सेलेक्टर एंड फिल्टर सर्किट्स की बात कर रहे हैं चलो वो भी देख लेते हैं भाई क्या चीज है देखिए जरा वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर सर्किट देखो वेलोसिटी सेलेक्टर या फिल्टर का मतलब ये हुआ एक पर्टिकुलर वेलोसिटी वाले इलेक्ट्रॉन्स हमें फिल्टर आउट करने है, है ना जैसे मान लो एक प्लेट ये है और सेम एक प्लेट ये लिया हमने। एक प्लेट हमने मान लो ऊपर माना और एक प्लेट हमने नीचे मान लिया इसको मैं किसी और कलर से कर देता हूं ताकि आपको साफ साफ समझ में आए ठीक है एक ये हो गया और एक ही हो गया ठीक है ये दो प्लेट्स हो गई जो येलो कलर से हम लोगों ने शो कर दिया है और यहां पर हम लोग अब अगर हम लोग इस पर कुछ ना कुछ पोटेंशियल अगर आप प्रोवाइड कर दोगे मतलब यहां से आप इसको एक अगर एक सेल से कनेक्ट करोगे तो प्लस और माइनस पोटेंशियल आ जाएगा तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव तो पॉजिटिव से नेगेटिव डायरेक्शन में कुछ इस तरीके की इलेक्ट्रिक फील्ड्स हम लोग कंसीडर कर ले रहे हैं और इस पूरे रीजन में मैग्नेटिक फील्ड भी कंसीडर कर ले रहे हैं लेट अस कंसीडर इस पूरे रीजन में कुछ इस तरह का मैग्नेटिक फील्ड है मतलब मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन इनवर्ड्स है लाइक दिस और मान लीजिए हम लोग के पास यहां कहीं पर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है यहां पर आपके पास ढेर सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो इस ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन से अगर आपने इनको कोई एक वेलोसिटी भी प्रोवाइड किया ठीक हाँ तो इसको हम लोग बोलते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिस इज नोन एज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इनको हम लोगों ने कोई पर्टिकुलर वेलोसिटी अपना प्रोवाइड किया और जैसे ही ये अंदर इस रीजन में एंटर करेंगे तो इनका जब आप पाथ ऑब्जर्व करोगे ना तो पाथ ये समझ में आएगा कि कुछ जो आए वो ऐसे चले गए कुछ जो आए वो ऐसे चले गए और कुछ ऐसे थे जो अनडिफ्लेक्टेड एकदम सीधे मूव किए इस रीजन में एंटर करते अब मैटर ये है कि सर ऐसा क्यों हुआ आखिर ऐसा यहां क्या है जिसकी वजह से उनका पाथ अलग अलग हो गया देखो ये ऐसा रीजन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड बोलो दोनों है इस वाली प्लेट पर हम लोगों ने पॉजिटिव चार्ज दिया था और नीचे वाली प्लेट पर हम लोगों ने नेगेटिव चार्ज दिया था ठीक तो यहां इलेक्ट्रिक फील्ड भी थी और यहां पे मैग्नेटिक फील्ड भी थी इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर फोर्स किधर लगेगा पॉजिटिव की तरफ ठीक ऊपर की तरफ और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स पर सोचो फोर्स किधर लगेगा मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स का क्या है चार्ज मोशन में फ्लेमिंग राइट में तो करंट लेफ्ट में बोलो भाई तो किधर की तरफ फोर्स लग गया डाउनवर्ड तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स लगा वो डाउनवर्ड लगा तो नीचे वो वाले इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे जिनमें मैग्नेटिक फोर्स ज्यादा लगा होगा कुछ ऐसे रहे होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक फोर्स ज्यादा लगा होगा बोलो तो यार और कुछ ऐसे भी रहे होंगे जिनमें इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फोर्स बराबर लगा होगा ठीक तो जिनमें बराबर फोर्स लगा उनको जरा देखिएगा इलेक्ट्रिक फोर्स की वैल्यू है बोलो क्यू ई मैग्नेटिक की वैल्यू है क्यू वी बी और एंगल तो यहां 90 है साइन 90 वन हो जाएगा तो क्यू से क्यू आपका कैंसिल हो गया और वेलोसिटी की वैल्यू मिल गई हमको इलेक्ट्रिक फील्ड अपॉन मैग्नेटिक फील्ड ठीक है ये हम लोगों को एक फॉर्मूला मिल गया इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो अगर ले लो तो दैट विल बी वेलोसिटी ऑफ अनडिफ्लेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स ये उन इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है जो कि कैसे हैं अनडिफ्लेक्टेड है क्लियर तो आपसे अगर कभी भी ये कहा जाए कि भाई हमको वो वाले इलेक्ट्रॉन्स बता दो जिनकी स्पीड है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड ठीक है ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स हमें बता दो तो ट्वेंटी मीटर पर सेकेंड वाले इलेक्ट्रॉन्स के लिए जरा सोचो ये जो सिस्टम हमने बनाया है ये सिस्टम हम जानबूझकर ऐसा बनाएंगे जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए मान लो अस्सी यूनिट का और मैग्नेटिक फील्ड कितने का हो चार यूनिट का बोलो यार अगर 80 यूनिट का इलेक्ट्रिक फील्ड हो और चार यूनिट का मैग्नेटिक फील्ड हमने बनाया अपनी तरफ से तो यहां पे अनडिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स जा रहे हैं बोलो उनकी स्पीड कितनी होगी 20 मीटर पर और हमसे यही कहा गया था कि भैया हमको 20 मीटर पर सेकंड वाले इलेक्ट्रॉन छाट दो यहां पे मान लो हजार इलेक्ट्रॉन थे हमसे बोला गया बीस मीटर पर सेकेंड वाले हमको केवल चाहिए तो हमने कहा ऐसा करो

इलेक्ट्रिक कांस्टेंट डाला उसको हम अपने हिसाब से मैनेज कर लेंगे ठीक तो बोलो इलेक्ट्रिक फील्ड ये मैनुअली क्रिएट किया हुआ है इसको हम अपने हिसाब से यूनिट का कर लेंगे मैग्नेटिक फील्ड भी हमी को कराना है इधर नॉर्थ पोल रहा होगा मैग्नेट का इधर साउथ पोल रहा होगा और ये दोनों कौन से रहे होंगे चाहे सोलेनोइड वाले रहे होंगे देखो नेचुरल मैग्नेट नहीं होगा नेचुरल मैग्नेट अगर ले लिया तो फिर हम उसमें कुछ भी कंट्रोल लेकिन अगर आर्टिफिशियल मैग्नेट है तो हम सब कुछ कंट्रोल कर सकते हैं अपने हिसाब से हम लोग उसमें मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करा लेंगे और ओवरऑल 80 लो 4 लो या 800 लो 40 लो या 160 ले लो और नीचे तुम उसी हिसाब से अपना वैल्यू ले लो ठीक कोई भी वो तुम्हारे ऊपर है कि तुम्हें कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड और कितनी मैग्नेटिक फील्ड बनानी है जो कंफर्टेबली बन पाएगी वो हम लोग बनाएंगे दो तो अनडिफ्लेक्टेड जो इलेक्ट्रॉन्स मूव कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स जिनकी अपनी एक फिक्स वेलोसिटी है क्लियर? सो दिस सर्किट इज कॉल्ड वेलोसिटी सेलेक्टर और वेलोसिटी फिल्टर सर्किट इसी को वेलोसिटी कहते हैं इसी को वेलोसिटी फिल्टर भी कह सकते हैं हम लोग अभी कोई डाउट इसमें क्लियर है ठीक तो इतने ही रखते हैं नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे दैट इज ऑल्टरनेटिंग करें